गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इकोनॉमिक्स क्लासेस. लास्ट डे आई हैव टोल्ड यू दैट कि यू कैन कनेक्ट द जू मैप, बट नोबडी कनेक्टेड. इट शो दैट हाउ यू कैन सीरियस योर स्टडी. इट्स योर लॉस बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड. You can pay the fees. So why you have so careless? Here, take it. Today we have start our next chapter, chapter number 7, aggregate demand, in the aggregate supply and related concept. So first of all, concept of aggregate demand. यहाँ हम aggregate demand के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको हम समग्र मांग कहते हैं. वैसे हम इसके बारे में ऑलरेडी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका है तो इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में होता क्या क्या है. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रीड टू बी नोटेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समग्र मांग को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल, aggregate demand does not refer to the demand for any particular goods in the market. Aggregate demand का मतलब ये नहीं है कि market के अंदर किसी particular वस्तु यानी किसी एक व्यक्तिगत वस्तु के की कुल मांग के बारे में इशारा करता है. नहीं, aggregate demand का मतलब है macro economics के अंतर्गत समग्र वस्तुओं की मांग, total, चाहे सेवा या वस्तुएं हैं, सबकी जो एक साल के अंदर जो मांग की जाती है उससे. इट रेफर टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी. सेकेंड है, एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. यानी मैंने कहा एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर, दी हुई समय के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत दिए हुए समय में सभी वस्तुओं की, वस्तु और सेवाओं की कुल मांग जो होती उसे ही एग्रीगेट डिमांड. थर्ड, इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. यानी सामान्य जो प्राइस होता है उसी के आधार पर हम इसको लेते हैं, विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल और लोगों की आय के आधार पर. यू नो दैट कि इन द लेवल ऑफ 10+2 वी स्टडी एग्रीगेट ओनली रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम. इससे पहले हम ये पढ़े थे कि इनका जो डिमांड है वो अफेक्टेड होती है प्राइस से, लेकिन आपके जो सिलेबस में है और स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हम पहले पढ़ चुके हैं. एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसको हम इस स्टैंडर्ड पर इनकम के साथ रिलेटेड करते हैं. तो यहाँ रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम, सो डैट एग्रीगेट डिमांड राइज एज द लेवल ऑफ इनकम राइज इन द इकोनॉमी. यानी इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे जैसे लोगों की इनकम का स्तर बढ़ता है एग्रीगेट डिमांड भी उसी के अनुसार. ठीक है, तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप एग्रीगेट, आपकी कुल मांग भी बढ़ती. तो यू नो एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसी दिए हुए समय में, गिवन द अकाउंटिंग ईयर, दिए हुए साल में सभी वस्तुओं की, सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड. और इसको हम मापते हैं वो जनरल प्राइस पर मापते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर. और दूसरा, इसको जो रिलेटेड किया है वो इनकम के साथ किया है. और यू नो इनकम एंड डिमांड बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. इन प्रीवियस क्लास इन 11th वी हैव रीड दैट डिमांड एंड प्राइस हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, बट इन द लेवल ऑफ 10+2 वी कैन रिलेट इट टू द लेवल ऑफ इनकम. सो इनकम एंड डिमांड बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. दोनों में धनात्मक संबंध होता है. इफ इनकम इज राइज देन डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज. दैट्स क्लियर. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे आपके जो एग्रीगेट डिमांड से संबंधित थे. लेकिन एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड. लोग क्या खर्च करने के लिए तैयार हैं और व्हाट पीपल कैन प्लान टू स्पेंड और उनकी क्या प्लानिंग है खर्च करने की. तो विद द ऑब्जर्वेशन इन माइंड यू में डिफाइन एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमने अभी देखी. एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ
एक्सपेंडिचर डेट द पीपल प्लान टू इनक्योर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये डेफिनेशन आप पढ़ याद कर लेना। क्या कह रहा है वो कि समग्र मांग जो है वो सभी मांगों का कुल जोड़ है जो दिए हुए समय में जो इकोनॉमी के अंदर वस्तु उत्पादित की गई है उनके लिए जो समग्र मांग है और कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम यानी इनकम के आधार पर जिसको हम मेजर करते हैं। अब बात आती है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एडी शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर क्या होगा, ऑब्वियसली हमने इसको किसके साथ रिलेट किया है, इनकम के साथ। तो एग्रीगेट डिमांड का जो बिहेव होगा वो डिपेंड ऑन द इनकम। सो इनकम, इफ इनकम इज इंक्रीज देन डिमांड इज आल्सो इंक्रीज, इफ द इनकम इज डिक्रीज देन डिमांड इट आल्सो डिक्रीज, बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये आप तालिका बनाना है आपको, मैं बता देता हूँ। एक और आप वाई करेंगे, एक कॉलम में आप एडी करेंगे एक्सपेंडिचर कर प्लान। तो इनकम मान लीजिए आपकी एक है, इस पर आप 10 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं या आपकी डिमांड कर रहे हैं। इनकम आपकी 10 से 20 हो गई, तो यू नो कि बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। देन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। इस तरह 30 हो गई तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 4 हो गई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एग्रीगेट ओ एक्स एंड ओ वाई एंड ओ एक्स ऐसे हम एक बना के देख लेना। नहीं मैं बना दूंगा आपको, मैं वीडियो दूसरी जो वीडियो शूट करूंगा मैं उसमें आपको डाविद डायग्राम बनाऊंगा। उसे ज़्यादा आसान है, मुश्किल है नहीं, बना सकते हो अगर इफ़ यू जस्ट ट्राई टू क्लिक। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हम क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर में हमारा क्या होता है, सी प्लस आई, दो चीज़ को हम एग्रीगेट डिमांड में, सी का मतलब होता है कंजम्पशन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। दोनों में पैसा खर्च होता है हमारा, जब हम कंजम्पशन करते हैं तो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारे पास से तो जा रहा है, और जब हम डिमांड इन्वेस्ट करते हैं तब भी, तो पहले तो हम इन्वेस्ट ही करते हैं ना भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हायर करते हैं हम, उसके ऊपर खर्च होता है हमारा, एक्सपेंडिचर ही तो होगा, लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो सी प्लस आई दोनों को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड होता है। अब अगर हमारी इनकम ज़ीरो हो, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का ड्रॉ होगा वो ज़ीरो से नहीं होकर ज़ीरो से ऊपर स्टार्ट होगा। ऊपर स्टार्ट होने का मतलब क्यों होगा ऊपर से स्टार्ट, क्योंकि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे हम किसी से उधार लें, चाहे हम पिछली सेविंग से लें, कुछ तो खर्च कर देंगे हम। अब सी और आई का दोनों का जोड़ होता है तो सी तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए सी जो है एग्रीगेट डिमांड वो हमारा ओ वाई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसका ड्रॉ करूँगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद हमारी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, वो फिर ओ आई के पैरेलल हो जाएगी। उसका रीज़न बहुत सारा, वो मैं जब आगे टॉपिक आएगा समझाऊंगा। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा ये होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं वो मैं नेक्स्ट पीरियड में करूँगा। तो टुडे इज़ इनफ फॉर, सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।